गया है वक्त अब बदले फिजा बदलो यारो, कि आ गया है वक्त अब बदले फिजा बदलो यारो, कुछ तो होश करो यूं ना खामोश रहो यारो, क्योंकि जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का, और है जरूरी लहरों के संग खेलना तब जब हो समुंदर पर नशा तूफान का, जब हो समुंदर पर नशा तूफान का। अपने इसी वाक्य के साथ मैं नेहरू मॉडल स्कूल की छात्रा चंचल आप सभी के सामने भगवत गीता के विषय में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी, आशा आप सभी को पसंद आएंगी। आज का जो विषय है कि भगवत गीता से मैंने क्या सीखा, उसके सीख, उसका अनुभव और कुछ अनुभूति आप सभी के सामने साझा करना चाहूंगी, आशा आप सभी को पसंद आएंगी। दोस्तों, जब आप पहली बार भगवत गीता को पढ़ते हैं तो एक धृतराष्ट्र के रूप में पढ़ते हैं। जब धृतराष्ट्र पुत्र के वियोग में व्याकुल हुए, बेचैन हुए संजय को भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युवस्व मामका पांडव किम कुर्वत संजय, हे संजय मुझे बताओ कि युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडव के पुत्र युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं। दोस्तों, क्या कारण है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ, क्या कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को युद्ध से ठीक पहले दिया। कारण है जब मोह माया धन दौलत लालच के जाल में फंसकर इंसान अपने धर्म के मार्ग से भटक जाता है और अधर्म का रास्ता चुनकर अपना सर्वनाश कर लेता है, तो मनुष्य को इस सर्वनाश से बचाने के लिए स्वयं त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम ने, अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले यह भगवत गीता का दिव्य ज्ञान दिया था। दोस्तों, मन तो सभी के पास होता है, किंतु मनोबल हमें केवल भगवत गीता से ही मिलता है, और मन में ये धारणा होनी चाहिए कि अंतिम जीत मेरी होगी, यह निश्चित परिणाम है, उसको कौन हरा पाएगा जिसके साथ स्वयं श्री कृष्ण भगवान है। दोस्तों, जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर घबरा जाता और भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि दृष्टिवेवम स्वजनम कृष्णम, अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर युयुत्सम सब उपस्थितम, ये सब मेरे अपने ही तो हैं, सिदंती मम गात्राणी, मेरे हाथ से मेरा गांडीव गिर रहा है, मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूखा जा रहा है, और वह स्थिति में अपना निर्णय लेने से मना कर देता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि अधकैरम प्रयोक्तम पापम चरति पुरुष अनिच्छनी वार्षेण बालद्वी नियोजिता, कि हे कृष्ण कौन मुझे पाप कर्म पर लगा रहा है, मेरी तो पाप कर्म करने की कोई इच्छा भी नहीं है, कोई बलपूर्वक मुझे इस कार्य पर लगा रहा है। दोस्तों, पहले पूरे अध्याय में तो अर्जुन बोलते रहे, परंतु जैसे ही पहला अध्याय समाप्त हुआ तब श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया, और वो क्रांतिकारी श्लोक जिसे सुनने से आज भी बुद्धि चकरा जाती है, क्या कहते हैं श्री कृष्ण, क्लेलभ्यम न संगम पार्थ नेत्र सुपोहिता शुद्रम हृदय दुर्बल्यम व्यक्त व उत्तिष्ठ परंतप, कि हे अर्जुन यह जो तुम अपने हृदय की दुर्बलता दिखा रहे हो यह तुम्हें शोभा नहीं देती, इस कुंती पुत्र अर्जुन को, इस द्रोण शिष्य अर्जुन को, इस वीर अर्जुन को शोभा नहीं देती, इसे त्याग कर खड़े हो जाओ अपने धर्म के लिए, अपने हक के लिए, अपने राज्य के लिए खड़े हो जाओ अर्जुन, खड़े हो जाओ। दोस्तों, भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न करते हैं, श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन प्रश्न करते हैं, श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, क्यों, क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के हर एक प्रश्न का उत्तर दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि युद्ध से पहले अर्जुन के मन में कोई संशय न रहे, कोई डाउट ना रहे। किसी भी काम को करने से पहले हमारे मन में कोई संशय, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वरना वो काम हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अपने इस विश्वास के कारण, इस बिलीफ सिस्टम के कारण वाराणसी के सोनम पटेल महज 8 साल की है, जिसे भगवत गीता का हर एक श्लोक कंठस्थ याद है, न केवल श्लोक कंठस्थ याद है बल्कि उसको ये भी पता है कि कौन सा श्लोक किस अध्याय से लिया गया है। इसी विश्वास के कारण ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉलिनिक ने कहा है कि भगवत गीता के लिखे एक भी श्लोक को कोई वैज्ञानिक झूठा सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि भगवत गीता सत्य है और सत्य ही सनातन है। अब भगवत गीता के ज्ञान के कारण ही तो चीन के एक यूनिवर्सिटी ने भगवत गीता को प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल माना है, एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना शुरू किया है। क्यों, क्योंकि पूरी दुनिया में मैनेजमेंट के जो जो कंसेप्ट है वो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण पहले ही दे चुके हैं। सबसे बड़ी भगवत गीता, जी हाँ, सबसे बड़ी भगवत गीता जिसका अनावरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसका भार 800 किलोग्राम है, बल्कि मैं तो कहती हूँ यदि भारत का खोया संस्कार लौटाना है तो भगवत गीता को पाठ्यक्रम में एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना ही होगा। और मैं ये भी कहती हूँ कि कोर्स से गीता हटा दीजिए और कोर्स में गीता लाइए, यकीन मानिए देश प्रदेश तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया सब कुछ सुधर जाएंगे। भगवत गीता के 3rd अध्याय के 4th श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि तस्माद् भवामि हिंदु यानदो नियम्य भारतवर्षरम पापमानं परजहि हमेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम,
कि जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता उसका विनाश हो जाता है। इसे सबसे पहले हमें हम सबको अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करना होगा। दोस्तों जब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण युद्ध के लिए पूरी नारायण सेना मांग लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हार निश्चित है तेरी, मत हो तू उदास। अरे माखन तो दुर्योधन ले गया, अब बची है सिर्फ छाछ। तो इस व्यंग पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जीत निश्चित है मेरी, क्यों हूं मैं उदास, माखन का मैं क्या करूंगा जब माखन चोर है मेरे पास। दोस्तों इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी भगवत गीता सुनाकर कहा था कि मामेकम शरणम व्रज, तुझसे कुछ ना हो तो तू मेरी शरण में आ जा। इस सृष्टि में जो कुछ भी तू कर्म कर रहा है उसे मुझे अर्पित करता चला जा और तुझे मेरा संशय रहित पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। समय की सीमा को देखते अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और अंत में यही कहना चाहूंगी कि बिन जले भभूति नहीं, बिन चले अनुभूति नहीं। कोई चलता पद चिन्हों पर है, कोई पद चिन्ह बनाता है, रचता है जो इतिहास जग में दुनिया में वही पूजा जाता है, वही पूजा जाता है। धन्यवाद।